दोस्तों, रामनवमी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता लिखी है, आपसे साझा करता हूँ, सुनिएगा। राम बनना क्यों कठिन है, राम बनना क्यों कठिन है, राज तिलक के दिन वनवास जाना क्यों कठिन है, कोमल पैरों से कंटकों पे चलना क्यों कठिन है, और तटस्थ होकर पिता का परित्याग करना क्यों कठिन है, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी होकर भी आंसू बहाना क्यों कठिन है, और उन आंसुओं में भी मुस्कुराना क्यों कठिन है, त्रिलोक स्वामी को सबरी के जूठे बीर खाना क्यों कठिन है, और विधाता बनकर विधि का पालन करना क्यों कठिन है, राम बनना क्यों कठिन है। दोस्तों, मैंने बचपन में एक छोटी सी कहानी सुनी थी, आज रामनवमी के दिन मुझे वो कहानी याद आ गई, आपको सुनाता हूँ। एक नंबर्स की क्लासेस चल रही थी जिसमें 0, 1, 2, 3 ये लोग थे। अचानक 9 ने 8 को एक थप्पड़ मारा, तमाच। 8 रोने लगा, अरे क्यों मुझे मार रहे हो भैया? तो 9 बोला, मैं बड़ा हूँ, मार सकता हूँ। जैसे ये लाइन 9 ने बोली, पूरी क्लास थप्पड़ों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। 8 7 को मारा, 7 6 को मारा। इसी में अचानक 0, 0 जाकर एक कोने में दुबक कर बैठ गया, और वो एक को देखकर मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो। एक बोला, मैं नहीं मारूंगा तुमको। तो 0 बोला, हर बड़ा छोटे को मार रहा है। तो एक ने बोला, नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं तुमको नहीं मारूंगा। और ये कहते हुए ही एक जाकर 0 के बगल में बैठ गया। अब जब 1 0 के बगल में आता है तो क्या बनता है? 10। और इसके साथ ही वो उस क्लास में सबसे बड़ा हो गया। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बड़ा वो नहीं होता जिसके पास ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा धन दौलत होता है, ज़्यादा उम्र होता है। बड़ा होता है जो दूसरे को बड़ा कर सके। और भगवान राम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भरत को बड़ा किया, कभी कीवट को बड़ा किया, कभी हनुमान को बड़ा किया, कभी सुग्रीव को बड़ा किया, कभी विभीषण को बड़ा किया। और इसीलिए भगवान राम वास्तव में बड़े हैं। और दोस्तों, इस रामनवमी को हम उनकी इन्हीं बातों से सीख लें तो ये रामनवमी सबसे सिद्ध हो जाएगी। इनफैक्ट भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, इससे रामराज्य नहीं आएगा। हम भगवान राम के कुछ कामों से सीख लें, इसी से रामराज्य आएगा। इसी के साथ ही रामनवमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।